जिससे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कांग्रेस ने भाजपा के प्रस्ताव को झूठ का पुलिंदा बताया। इनका प्रस्ताव झूठ का पुलिंदा है, ये घबराए हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत बोले, सबसे ज्यादा छापे राजस्थान में डाले जा रहे हैं। जितना छापे डाले गए यहाँ पर राजस्थान में, हिंदुस्तान में कहीं डाले गए। सीएम गहलोत ने कहा, सत्ता में आते ही रिश्वतखोरी में शामिल हो जाते हैं कुछ लोग। करप्ट राज्य कोई देश के अंदर कोई है, वहाँ है जहाँ बीजेपी राज्य है। ये तो भूखे भेड़ी है, जब आते हैं कहीं खाने के लिए, मिल जाता है उनको ज्यादा, भूखे भेड़ी की स्थिति क्या बनती है। भ्रष्टाचार पर आर पार। और सवाल इस बात को लेकर के कि क्या चुनाव आते ही भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा जिस तरीके से शुरू होता है वैसे ही शुरू हुआ है। क्या भ्रष्टाचार पर वाकई आर पार का समय है? भ्रष्टाचार का मुद्दा आखिरकार छाने के पीछे मायने क्या हैं? इन सब को लेकर के चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जिसके साथ आज हम राजस्थान के मसले को लेकर के चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी कांग्रेस के बयानों के मायने क्या हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह की जंग आर पार की छिड़ी हुई है, वो क्या सिर्फ महज राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही है या वाकई भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों संवेदनशील है? और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका मैं तारुफ करवा दूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, स्वागत आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक रामनारायण मीणा जी जुड़ चुके हैं। रामनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर सीबी शर्मा साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। शर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार कार्रवाई होती आई है और अभी इस सरकार में देखें तो कार्रवाई तो हुई है, लेकिन फिर भी सवाल बड़े हैं कि आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, चुनाव आगे हैं। रावत साहब, मैं आप ही से पहले सबसे पहले कमेंट के साथ शुरुआत करूंगा, क्या ये सब आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार को लेकर के वो इसलिए है कि चुनाव आगे हैं या वाकई संवेदनशीलता है? कुछ दिन पहले हमने देखा कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में अभी दो दिन पहले ही प्रस्ताव पास किया गया भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या इसके मायने क्या है? हम क्या समझें, कांग्रेस कह रही है बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस भ्रष्ट है? रावत साहब, आपने जो कहा वही बात सही है कि इस समय राजस्थान में सबको विधानसभा के जो चुनाव नवंबर में होने हैं वह दिख रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों भ्रष्टाचार के नाम पर जो मुद्दे थे उनको आगे करके अपनी लड़ाई में कि वो आगे हैं, वो ज़्यादा भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दो राजनीतिक पक्ष में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पिछले दिनों कांग्रेस परेशान थी सचिन पायलट जी के भ्रष्टाचार की लड़ाई के नाम पर। सचिन पायलट जी ने जो भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई लड़नी शुरू करी, उन्होंने धरना का प्रदर्शन किया, साथ में एक 5 दिन की जनसंघर्ष यात्रा निकाली, उसने कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी की सरकार को बहुत बुरी तरह प्रेशर में ला दिया, बहुत तनाव की स्थिति में ला दिया और सरकार ने जो पिछले चार सालों में काम किए थे उन पर लगभग एक ऐसा माहौल प्रदेश के अंदर बना दिया कि गहलोत साहब के सरकार के काम से ज्यादा गहलोत साहब के भ्रष्टाचार के जांच नहीं करने के मुद्दे प्रभावी हो गए। लेकिन अब इसमें एक रोचक पक्ष और भी है और वो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने के अभी 2 दिन पहले नागौर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद में आज गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का भी एक बयान आया, हमको इस चर्चा को करते समय उस बयान का भी ध्यान रखना चाहिए। उस बयान में उन्होंने कहा कि 2 से 3 लोग एक दूसरे को भ्रष्टाचार की लड़ाई के नाम पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने जिस तरह सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, उसी तरह गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने भी 2-3 नेताओं के नाम नहीं लिए लेकिन 2-3 लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए कहकर के वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी पर हमला बोला। अब ये गजेंद्र सिंह जी का यह बयान क्यों आया इसकी पृष्ठभूमि पर भी आप चले जाइए, जो नागौर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी उसमें लंबे समय के बाद कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा जहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, क्या इस वजह से बीजेपी अब भ्रष्टाचार की बात कर रही है या फिर कांग्रेस की रणनीति क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ वैसी ही रही है जैसा कहा जा रहा है? ये तमाम बातें जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है उसका मैं रिएक्शन ले लेता हूं। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। रामलाल जी, भ्रष्टाचार पर क्या दोनों ही तरफ एक जैसी स्थितियां हैं लेकिन कार्रवाई गंभीरता से दोनों के भीतर नहीं होती है?
रामलाल जी की आवाज नहीं आ रही है, रामलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। रामनारायण मीणा साहब, आपके अपने ही भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है। रामनारायण जी एक कमेंट दे दीजिए, उसके बाद में रामलाल शर्मा जी के पास जाऊंगा। जी रामनारायण जी, देखिए मन जी, पार्टी भ्रष्ट नहीं होती, पार्टी का अस्तित्व बनता है लीडर से, उस आदमी सदस्य होते हैं तो चुनते हैं उससे, भ्रष्ट होता है व्यक्ति। इसलिए ये जो पार्टी ले रही है, पॉलिटिकल भाषा बोल रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही, व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार किया कर्नाटक में, 40% के नाम पे बीजेपी हार गए। अब यहाँ क्योंकि कांग्रेस वापस रिपीट हो रही है, लेकिन कहीं गलती नहीं रह जाए, इसलिए जो भी आदमी मंत्रिमंडल में कोई हो ऐसा, तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी को उसको ड्रॉप कराए। और बीजेपी के शासन में तो आपको पता है, गाय बजाय जितना भ्रष्टाचार हुआ, पीडब्ल्यू हो या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, जितना करप्शन बीजेपी के शासन में हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिएगा आप, कौन सा करप्शन नहीं हुआ। इसलिए व्यक्ति जो कौन है, मेरा तो इनसे निवेदन है पॉलिटिकल पर्सन से, और मेरा निवेदन है आम मतदाताओं से, कि जो व्यक्ति करप्ट है किसी भी पार्टी का, यदि वो उसी पार्टी के वैसे आदमी चुनाव लड़ता है, उसको वही रोक देना चाहिए, ताकि सरकार सुधरे, सरकार करप्शन से दूर रहे और देश में ठीक ढंग का माहौल। बीजेपी को बैठे बिठाए आप ही के लोग तो मुद्दा देते हैं रामनारायण जी, आपके अगर मंत्री ये कहें, गुढ़ा जो सचिन पायलट की यात्रा के दौरान करें, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को पार कर गए, कर्नाटक से भी ज्यादा हमारी सरकार भ्रष्टाचार को, तो दूसरे सवाल थोड़ी उठा रहे हैं, उससे पहले तो आप ही के अपने सवाल उठा रहे हैं। हमारे है तो ये मुख्यमंत्री जी ने ऐसे आदमी को क्यों दिया जो गाय बेगाय, हुड्डा जी को यदि किसी व्यक्ति का मंत्री का नाम लेके वो कहते तो बात होती, क्योंकि वो ग्रुपिज्म के आधार पे सरकार बनाना और क्या पड़ा पहले पहले प्रमोद जैन भाया को लेकर के भरत सिंह चिट्ठियां लिख चुके, सवाल उठाते रहे, ये लगातार आपकी पार्टी के भीतर भी रहा है, लेकिन कोई इस तरह से कोई जांच और कार्रवाई की बात पार्टी के भीतर भी नहीं हुई। रामनारायण जी मैं आता हूँ रामलाल शर्मा साहब। हाँ नहीं जी जी रामलाल जी, कांग्रेस कहती है कि, और मुख्यमंत्री का बयान, मुख्यमंत्री नहीं रामलाल जी इसको भी शामिल करें, उसका भी जवाब देना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि अगर कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वो बीजेपी की सरकार में है, और क्या आप भ्रष्टाचार को लेकर के अब भ्रष्टाचार बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे चला रहे हैं या एक प्रस्ताव पास करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो क्या वो इसलिए है कि राजस्थान के चुनाव में आपकी रणनीति बदली है, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार से वोट मिल सकते हैं उसके खिलाफत करने से, वरना राजकुमार रिणवा, सुरेंद्र गोयल जिनको ड्रॉप किया गया था जिन पर आरोप भी थे, वो तो आपके पास वापिस आ रहे हैं। जी बोलिए। कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई है। अब मैं आरोप ये मिथ्या आरोप नहीं लगा रहा, यह मैं विपरीत विचारधारा का व्यक्ति हूं, इस आधार पे नहीं लगा रहा, मैं प्रमाण सहित लगा रहा हूं। मेरी इस आपकी इस डिबेट के अंदर रामनारायण जी मीणा इस डिबेट में शामिल है। विधानसभा के अंदर इन्होंने कहा कि कोटा में लगा हुआ चीफ इंजीनियर सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, सरकार उसको कब हटाएगी, ये इन्हीं के वाक्य हैं, इन्हीं कांग्रेस के विधायक संगीन आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी पार्टी के विधायकों ने 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ लिए हैं, वो वापस लौटा दें। तो मुख्यमंत्री जी को पता है कि आपके विधायक भ्रष्ट हैं, तो क्या उन भ्रष्ट विधायकों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराओगे या उनको पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता आप दिखाओगे, दो बात। तीसरी, इन्हीं के विधायक राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं कि बेंगलोर के अंदर तो 40% भ्रष्टाचार का हम बात कर रहे थे, कर्नाटक के अंदर तो राजस्थान में 50% भ्रष्टाचार है, 50%। आज राजस्थान की नगर पालिकाओं की क्या स्थिति है, बेस कीमती जमीनों को इनके नुमाइंदे राजनीतिक जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के वो बेखौफ होकर उनको बेचने का काम कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कंप्लेंट कितनी करें, कांग्रेस का लिखा हुआ नाम आ गया, सारे के सारे अधिकारी बैग बंद करके रख देने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मुख्यमंत्री जी पहले आरोप लगाते थे कि बजरी का पैसा कहां जा रहा है, आज हम पूछ रहे हैं राजस्थान के अंदर बजरी की अवैध जो लोडिंग अनलोडिंग हो रही है उसका पैसा कहां जा रहा है, ये भी तो मुख्यमंत्री बताएं। बिजली विभाग के अंदर तीनों के तीनों एमडी जिस तरीके से घोटाला कर रहे हैं बिजली खरीद के अंदर, उस पैसे को कहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो भी तो बताएं मुख्यमंत्री जी। और राजस्थान के अंदर मिनी मुख्यमंत्री बनकर रहे हैं सारे के सारे विधायक, जितनी लूट इन्होंने इस बार लूटी है प्रदेश की संपदा को, जीवन में कभी किसी पार्टी ने नहीं लूटा। हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी में अगर हिम्मत है
तो रामनारायण जी मीणा जो बात सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भ्रष्ट मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की क्या आवश्यकता है, उनको हटाने का काम क्यों नहीं करते, तो मुख्यमंत्री जी कम से कम अपने सीनियर विधायकों की तो सुने जी। लेकिन यह भी तो सच है कि सबसे ज्यादा कार्रवाई भ्रष्टाचार में अधिकारियों के कर्मचारियों के खिलाफ राजस्थान में हुई है एसीबी की तरफ से। लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो एसीबी ने की है, लेकिन सरकार ने एसीबी तो सरकार के अंडर में ही आती है ना, 50% से ज्यादा अब्यूजन स्वीकृति सरकार ने दी नहीं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। आज भी दो दो तीन तीन चार चार साल से अब्यूजन स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से कोर्ट के अंदर चालान पेश नहीं हो पाए, तो सरकार अब्यूजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रही, भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, और जो इनकी सरकार में भ्रष्ट रंगे हाथ पकड़े गए थे वो सारे के सारे आज पदस्थापन अच्छे अच्छे पदों के ऊपर बैठने का काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले लिस्ट आई थी जो भ्रष्ट अधिकारी जिस डिपार्टमेंट के अंदर पकड़े गए उसी के अंदर वापिस पदस्थापन करने का काम किया, तो यही है कि आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम। आपने पिछली बार कुछ मंत्रियों के टिकट काट दिए थे, तो क्या वो भ्रष्टाचार की वजह से काटे थे, क्यों ड्रॉप किया था की वजह से? मंत्रियों के टिकट कटे थे वो वहां की स्थानीय लोकल इक्वेशन थी, वो सर्वे के आधार के ऊपर कटे थे, इस भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर। भ्रष्टाचार के आधार पर आपने एक भी आदमी को ड्रॉप नहीं किया है ना? भ्रष्टाचार के आधार पर टिकट किसी के नहीं कटे, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप किसी ऊपर लगे नहीं। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप आपके मंत्रियों पर भी लगे थे, अभी 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 रामनारायण जी कह रहे थे, अभी रामनारायण जी बता रहे थे, आपके खान मंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, आपके रामनारायण जी बता रहे थे। रामनारायण जी देखिए, जितना करप्शन के आरोप भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगे, खान मंत्री नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं, आपके ऊर्जा मंत्री नहीं, किसके ऊपर आरोप नहीं लगे? इसलिए मेरा तो रामलाल जी से कहना है कि रामलाल जी, बीजेपी कांग्रेस कोई बेईमान नहीं है, आप बीजेपी में हो ईमानदार, आपने कोई करप्शन नहीं किया, तो मुझे कहना चाहिए रामलाल ईमानदार है, इस देश को सुधारने के लिए, प्रजातंत्र को ठीक करने के लिए, और ये आरोप पार्टी के नाम पे नहीं लगना चाहिए। कौन मुख्यमंत्री बसते, कौन मंत्री है, हम तो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जो आपके बड़े बड़े मंत्री हैं उनसे जवाब दिलाइए बीजेपी के आरोपों का करप्शन के मामले में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सामने वाले बोले तो सही। इसलिए करप्शन ज्यादा पहले आपका था, लेकिन कांग्रेस में भी किसका ज्यादा था किसका कम था, क्या ये सवाल है क्या? उस पर आएंगे। डॉक्टर सीबी शर्मा साहब, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हमारे साथ में हैं। शर्मा साहब, ये तो सही बात है कि राजस्थान में मौजूदा सरकार में एक के बाद एक करप्शन के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है बड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी सही है कि सरकारी कार्यालयों में इस तरह से इतनी बड़ी रकम भी पहली बार मिली, इस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई होने के बाद भी कई अधिकारियों को वापस से पदस्थापन दे दिया गया बिना उनका केस पूरा सॉल्व हुए। आप सही कह रहे हैं जी कि राजस्थान के अंदर एसीबी ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन देखा जाए तो ये कार्रवाइयाँ केवल 0.001% हैं उसके मुकाबले जितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये अभी जो खुला है मामला जी DOIT के अंदर, जो IT के अंदर, देखिए लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, जो सामने चौराहे पे खड़ा आदमी लेता है 10 रुपये या 100 रुपये वो तो सामने दिखाई देता है, लेकिन IT के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो लेटेंट वे के अंदर इंटेंजिबल व्यवस्था में अदर्शनीय, अकथनीय, अस्पृश्य वो है। और आज IT विभाग के अंदर और अकथनीय भी है शर्मा साहब, आम आदमी तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने बड़े तादाद पर भी भ्रष्टाचार हो सकता है जिसमें पारदर्शिता की बात करते हो। अकल्पनीय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप यदि वास्तव में इसकी तह में जाना चाहें, मैं इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का नहीं वो कोई विश्लेषण करूंगा, मैं तो केवल प्रशासनिक और व्यवस्था का जो है, आज जब से 94 से IT विभाग आया है, पहले कंप्यूटर डिपार्टमेंट कहलाता था, IT कहलाता, आज हर विभाग के अंदर IT का एक ACP या उसका जॉइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पर मौजूद है, और जो भी वहाँ पर परचेज हैं, जो भी टेंडर होते हैं, वो बिना उसकी स्वीकृति के नहीं हो सकते, और उस टेंडर के अंदर एक लाइन एक शब्द जोड़ने के या हटाने के जो जिस हिसाब से रुपए लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, मैं कहूँ वो अकल्पनीय है जी। लेकिन शर्मा साहब, मैं इतना जानना चाहता हूँ, आप तो देखिए, आपने करीब से पुलिसिंग को सबको देखा हुआ है,
कार्रवाइयों को भी देखा है, आखिर वजह क्या मानते हैं कि इतनी ज्यादा कार्रवाई सरकार कह रही है, खुद मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है, लेकिन भ्रष्टाचार इसके बावजूद लगाम में नहीं आ रहा है, बेलगाम है? मैं आपको वही बात बताऊं सर जी, कि जो जैसे टेंडरिंग व्यवस्थ कोई भी चीज है, चाहे परचेज करो, चाहे सर्विसेज परचेज करो, चाहे कोई सामान परचेज करो, टेंजिबल करो, उसके अंदर जो भी आपका कहते हैं ई टेंडरिंग होता है, और ई टेंडरिंग के अंदर जो आपके स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर एक शब्द में और या एंड करने के अंदर उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते उसमें जी। और उस बारे के अंदर एक ये और है जी, कि इस चीज़ों को जो इनके MD एंड जो चेयरमैन है या सेक्रेटरीज हैं, उनको IT का इतना ज्ञान नहीं होने से जो नीचे वाले उनके जो जॉइंट डायरेक्टर वो कर देते हैं, उसी को ओके मान लेते हैं। ये एक नहीं है, अनेकों उदाहरण है इसके। तो इसके लिए करने को कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो। तो आप कह रहे हैं कि हर सरकार में इसी तरह से करप्शन का खेल खेला जाता है? तह में नहीं जाएंगे। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ करप्शन तो हर सरकार में, लेकिन यदि पॉलिसीज को चेंज किया जाए तो करप्शन को, पॉलिसी के नाम पर 2012 में कांग्रेस सरकार में ही भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जो है कुर करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कितनी हुई है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आशुतोष जी, क्या भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप हैं, जो दावे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के, कार्रवाई के, वो वाकई दमदार नजर आते हैं एक पत्रकार के तौर पर? और क्या भ्रष्टाचार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव को लेकर के एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बनेगा क्या राजस्थान में भी, जैसा कर्नाटक में हमने देखा? क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में भ्रष्टाचार इस बार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और दोनों ही राजनीतिक दल जिस तरह से एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन शर्मा साहब ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जहां जिक्र किया कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में किस तरह भ्रष्टाचार है, उतना ही भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार इस प्रदेश में मौजूद है। लेकिन दिक्कत यहां है कि ऐसे भ्रष्टाचारों के केस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार तभी जाकर के पॉसिबल होता है जब उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो। बिना राजनीतिक संरक्षण के प्रशासनिक भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पर पॉसिबल है, क्योंकि सरकार के मंत्री लगातार इस चीज को देख रहे होते हैं कि किस डिपार्टमेंट में क्या सेल हो रहा है, क्या परचेजिंग हो रही है। इसलिए कोई भी सरकार और कोई भी मुख्यमंत्री अगर यह बयान देकर के पीछे हटना चाहता है कि मेरे समय में सबसे अधिक ACB की कार्रवाई हुई, इसका मतलब यह कहीं नहीं हो जाता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे अधिक आक्रामक रुख अपनाया। इस भ्रष्टाचार होना एक अलग चीज है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना एक अलग चीज है, और उन कार्रवाइयों पर फाइनली जैसे करप्शन प्रिवेंशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ फाइनली उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना सबसे महत्वपूर्ण वह है। जब तक वह इस प्रदेश में नहीं होगा, तब तक इस तरह के जनता को लूटने के खुले खेल चलते रहेंगे। ठीक है, इस पर ही आगे बढ़ाते हैं। रामनारायण मीणा साहब, देखिए बहुत सारे आरोप हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी आप पर बहुत सारे आरोप हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने ही हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, तो जिन पर आपके अपने आरोप लगाते हैं उनको ड्रॉप कर देना चाहिए था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। और खुद सचिन पायलट कह रहे थे कि वसुंधरा राजे के करप्शन को लेकर के आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जांच होनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई आप ही की सरकार में? देखिए, सही है, सचिन जी चुनाव के दौरान कह रहे हैं, ये बात उनको पहले भी कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहा? ये पॉलिटिकली मसला है, ये ग्रुपिज्म का जख्मा है, हर पार्टी में ग्रुपिज्म है जी। लेकिन इतना जरूर है, यदि किसी के ऊपर करप्शन चार्जेज लगते हैं तो उसकी जांच बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए, माइनोरिटी होना चाहिए, और यदि हो गई तो पार्टी राज करेगी और जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। ये प्रीपार्टी बीजेपी के टाइम से लगी है, जब IAS अफसर गिरफ्तार हुए करप्शन के मामले में बीजेपी के टाइम से, कांग्रेस में नहीं हुए। हमने तो एक CMHO के बारे में पत्र लिखा, लेकिन ठीक है। और आज हमने सवाल पूछा था कि आने वाले चुनाव में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, 88% लोगों ने कहा था। एक आखिरी टिप्पणी चाहता हूँ रामलाल जी आपसे, जो रामनारायण मीणा जी कह रहे हैं उस पर। मीणा जी तो खुद परेशान है, पीड़ित है, दुखी है इस सरकार के भ्रष्टाचार को देखकर। अब ये तो मीडिया के अंदर सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकते, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि राजस्थान के अंदर पटवार सर्किल से लेकर तहसील सर्किल से लेकर कन्वर्जन से लेकर
छोटे छोटे कामों के लिए भी बिना मोटी रकम दिए हुए आम जन के काम नहीं हो रहे। और जिस तरीके से ये कहते हैं राहत शिविर, इन राहत शिविरों की भी जब जांच होगी ना तो इनके अंदर भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। जिस कीमत का किराए पे सामान ले रहे हैं उसी कीमत से तीन गुना किराए का भुगतान करने वाले हैं, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इनके राहत शिविरों के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब सरकार ये लगातार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसमें कोई शक नहीं कि कार्रवाई भी की गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और भ्रष्टाचार पर आर पार को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो है, लेकिन जनता आखिरकार भ्रष्टाचार को लेकर के क्या रुख अपनाती है, यह आगामी चुनाव में ही